अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज ग्रो योर ओन के अंदर एक और ज़बरदस्त सी चीज़ आपसे शेयर करूँगा, एक छोटी सी टिप कह लें या ट्रिक कह लें, और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि हमारा बड़ा दिल करता है कि हमारे घरों में जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स हम ग्रो करें, फ्रूट्स हो गए फ्रूट्स ग्रो करें। लेकिन जो प्लांट्स हमें नर्सरी से मिल जाते हैं, लाइक पनीरी वगैरह जो मिल जाती है, वो तो हम ख़रीद के बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ हमें सीड्स से जो है वो स्टार्ट लेना पड़ता है। सीड्स जहाँ ग्रो करने पड़ते हैं वहाँ पर बड़ा हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि काफ़ी सारे सीड्स हमारे ग्रो नहीं करके देते और वो नहीं चलते और वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे एक छोटी सी ट्रिक जो है वो शेयर करूँगा, क्योंकि आजकल जो है वो वेदर इस तरह का हो गया है, क्योंकि यहाँ ख़ासतौर पर मुल्तान के अंदर जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट होने लग गई हैं, विंटर्स जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। तो अब ये बेहतरीन टाइम है कि हम अपने समर्स के लिए जो है वो सीड्स लगाएं, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हम ग्रो करना चाह रहे हैं तो उनके सीड्स लगाकर हम उनको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो आज छोटी सी एक चीज़ जो है वो आपसे शेयर करनी है, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से जो है वो चीज़ आपसे मैं आपको पता चल जाएगा। उसके लिए हमें सबसे जो मेन चीज़ चाहिए वो इस तरह का एक प्लास्टिक बॉक्स चाहिए, क्योंकि सारा गेम है इसी का, और हमने एक जो एनवायरनमेंट देना है सीड को, वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट इसके अंदर जो है वो उसको मिलेगा, और किस तरह से उसको हमें लगाना है, कैसे हमें सॉइल को यूज़ करना है और क्या आगे सारी चीज़ें करनी है। तो इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं और ये दिखाता हूँ आपको इस प्लास्टिक बॉक्स से हम क्या कर सकते हैं और कैसे सीड्स को जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बात करेंगे पहले सॉइल मिक्सचर की। तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, ये नर्सरी से जो आम मिट्टी लेते हैं हम, और ये कोकोपीट है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करने जा रहा हूँ, और मैं इनको मिक्स करके फिर इनको मैं यूज़ करूँगा सीड्स लगाने के लिए। तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास जो मिट्टी अवेलेबल है ना उसी के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से मिक्स करके अब मैंने ये बॉक्स ले लेना है। अब बॉक्स के अंदर जो चीज़ समझने की है वो ये है कि अगर आपने इसके अंदर ड्रेनेज होल किया है तो ठीक है, नहीं किया तो भी कोई मसला नहीं है, और इतनी लेयर आपने जो है वो इसके अंदर सॉइल की ऐड कर देनी है। ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतनी सॉइल चाहिए कि सीड को इतनी इनफ सॉइल मिल जाए कि वो अपनी रूट्स को ग्रो कर सके और सीडलिंग में कन्वर्ट हो सके। तो मैंने इतनी पतली सी जो है वो लेयर सॉइल की ऐड कर दी है। तो अब सॉइल के बाद हमें सीड की बात करनी है। तो सीड अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं अवेलेबल तो आपके पास जो सब्ज़ियाँ आती हैं, मैंने ऊपर जो है वो लिंक दिया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोस का, तो उनके सीड्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने हाथों की मदद से इस सॉइल को प्रेस कर दिया है ताकि ये एक लेवल के अंदर आ जाए, और मेरा काम है गार्डनिंग को आसान करके दिखाना। तो कोई ख़ास स्पेशल टूल इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अल्लाह के दिए हुए हाथों को इस्तेमाल करें और इनको लेवल पर ले आएँ। आगे हमने क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने ऐड कर देना है इनके अंदर सीड, और सीड किस तरह से ऐड कर देना है, ये मैंने बीन्स के सीड ले लिए हैं और इनको मैंने इसके अंदर लगाने हैं इस तरह से कि इनको एक पर्टिकुलर फासले एक डिस्टेंस के अंदर हमने लगाने हैं। इस तरह से मैंने एक एक इंच की दूरी पर इनको लगा दिया है ताकि जब ये सीडलिंग में कन्वर्ट होंगे तो इनको निकालने में और जहाँ पर भी हम इनको शिफ्ट करना चाहेंगे इनको ईजिली हम सेपरेट कर सकें फ्यूचर के अंदर। तो अब यहाँ पर ऊपर पतली सी लेयर ऐड कर देनी है ताकि बहुत ज़्यादा ऊपर मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इतनी मिट्टी आप डालें कि ये जो सीड्स हैं ये छुप जाए उसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर वाटर स्प्रे बॉटल से जो है वो इसके अंदर पानी देना शुरू कर दिया है। इस पानी देने का मकसद ये है कि जो मेरे सीड्स हैं उनको पानी मिल जाए, पूरे पॉट के अंदर या पूरे इस बॉक्स के अंदर जो मिट्टी है उसको गीला करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपने पानी देना है, और इसीलिए मैं स्प्रे से दे रहा हूँ ताकि वो प्रॉपरली जो है वो अपने जगह पर मौजूद रहे सीड। और ऊपर से इस तरह से इसको कवर कर लेना है, और ऊपर इसके नाम और डेट लिख देनी है कि आपको याद रहे कि किस बॉक्स के अंदर आपने कौन सा जो है वो सीड लगाया है। पानी का आपने इस तरह से ख्याल रखना है कि जब आप ये बॉक्स के ऊपर इस तरह से कवर कर देंगे तो अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, तो ज़्यादा पानी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इस बॉक्स को भी वहाँ रख रहा हूँ जहाँ पर मेरे बाकी बॉक्सेस मौजूद हैं, और इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये मैंने लास्ट वीक जो है वो कुछ सीड्स लगाए थे। ये मेरे पास यहाँ पर मेथी का जो है वो मैंने बॉक्स बनाया था, और ये देख सकते हैं अंदर किस तरह से ह्यूमिडिटी बनी हुई है। मैंने जस्ट इसको जब फर्स्ट टाइम पानी दिया था, अब तक मैंने एक हफ्ते में इसको पानी नहीं दिया, अंदर ह्यूमिडिटी बनी हुई है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, सॉइल सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से जो है वो अंदर इन्वायरमेंट उनको मिल रहा है। और यहाँ पर अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सीडलिंग्स अब इतनी ऊपर आ चुकी हैं कि वो ऊपर कवर के साथ जो है वो चिपक चुकी हैं। तो ये देखें, ये एक हफ़्ते का जो है वो मैं रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो ये सीडलिंग्स तैयार हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये सीडलिंग जब ऊपर हो जाती हैं तो ये देखें, मैंने पहले जो मैंने लगाई थी इनको मैंने कवर से हटा दिया है, और ये खीरा है, और ये बीन्स जो अभी लगाई हैं उन्हीं का आप देख रहे हैं प्लांट।
तो बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनकी बारी है कि इनको हम सॉइल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दें। अगर आपके पास इस तरह से ज़मीन में आप लगाना चाह रहे हैं तो ज़मीन में लगा दें, पॉट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो पॉट में लगा दें। ये जो टमाटर देख रहे हैं ये मैंने घर में आए हुए जो टमाटर हम जो सब्ज़ी वाले से लाते हैं उन्हीं के सीड्स को जो है वो यूज़ करते हुए इन टमाटर को तैयार किया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से जो है वो ये ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बॉक्स इस तरह से ले लेना है और इनको हमने इस तरह से बाहर निकाल लेना है ताकि ये ख़राब ना हो। और नीचे देख सकते हैं कि रूट्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ग्रो हो रही हैं। अब इनको हमने इस तरह से रख देना है ताकि ये ज़रा, क्योंकि ऑलरेडी हम इनको डिस्टेंस में रख चुके हैं। और ये यहाँ पर मैं एक टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगी इंशाल्लाह तो फिर आपसे वीडियो बना के आपको मैं शेयर करूँगा कि किस तरह से ये काम हम कर सकते हैं। तो इनके इर्द गिर्द जो है वो हमने यहाँ पर इनको सारा जो है वो कवर कर लेना है मिट्टी से, और दूसरे को भी मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। तो अब पानी देना है हमने, क्योंकि अब ये मैच्योर सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं तो अब इनको ज़्यादा प्रेशर से पानी नहीं देना। लाइक हमने अक्सर जो है वो हम पाइप वगैरह को यूज़ करते हुए जो पानी देते हैं तो अब वो अगर डैमेज कर देंगे सीडलिंग्स को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आप इस तरह से सीड्स लगाते जाएँ, प्लांट्स ग्रो करते जाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।